सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूँ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी में महामंथन और चिंतन वाली खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर लगातार 2 दिनों से मंथन चला, जिसमें सभी 11 सीटों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन में मजबूती की नसीहत भी जारी की गई। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने में फेल हुई प्रदेश भाजपा ने हार के कारणों पर चिंतन किया। 2 दिवसीय महामंथन के पहले दौर की बैठक में बीजेपी नेताओं ने करीब 9 घंटे तक 7 लोकसभा सीटों पर मिली हार को लेकर समीक्षा की। बची हुई 4 लोकसभा सीटों पर आत्मचिंतन दूसरे दौर में होना है। बैठक में लोकसभा सीट से जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, सांसद, प्रत्याशी सहित तमाम पदाधिकारी से लोकसभा वार पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के निमित्त सारे जो लोगों के साथ बैठना हुआ, और निश्चित रूप से जहां कहीं कमी होती है उसका चिंतन भी होता है, बातचीत भी होती है, और आगामी कार्यक्रमों को लेकर 21 तारीख को योग दिवस, 22 तारीख को सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती, 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, 25 तारीख को आपातकाल, मन की बात का कार्यक्रम, 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती, ऐसे अनेक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा। बैठक के अंदर क्या कुछ हार के कारण सामने आए हैं, इसको लेकर पार्टी के नेता कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन सूत्रों की माने तो हार का प्रमुख कारण टिकट वितरण में खामी और आपसी भीतरघात प्रमुख रूप से सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ सीटों पर चर्चा के दौरान एक दूसरे पर हार के आरोप भी लगे। बीजेपी की हार की बड़ी वजह टिकट वितरण और भीतरघात, आपसी गुटबाजी, पार्टी नेताओं में तालमेल का अभाव, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलना। इतना ही नहीं, पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक में कुछ लोकसभा सीटों पर तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कुछ नेताओं ने हार की जिम्मेदारी को स्वीकार की, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक व्यक्ति की वजह से चुनाव नहीं हारते हैं। जिन भी कारणों से चुनाव हार गए हैं उस पर मंथन होने के साथ जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अनुसार 2 दिन हमने मंथन किया, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बातें की, और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है, और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है, उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए इसकी भी चर्चा हमने की। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुसार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। खामियाजा ये हुआ कि एनडीए में सीटें कम पड़ गई, लेकिन बहुमत जुटा करके एनडीए ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को हारने के क्या कारण है इस पर मंथन शुरू किया गया है, और हार का कारण जो है वो जानने के लिए प्रदेश के प्रभारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तमाम जिलाध्यक्षों से सीधे रूबरू हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और क्या किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात का जवाब आज हम आपको देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत लगातार जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये सवाल सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान देकर संशय लगभग खत्म कर दिया है। सुनिए क्या कहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं देंगे इस्तीफा। इस्तीफे के सवाल पर खत्म हो गया संशय। डॉक्टर किरोड़ी ने खुद बताया क्या है आगे का प्लान। बने रहेंगे मंत्री, करेंगे कृषि क्षेत्र का विकास। राजस्थान की विधानसभा का जब सेशन हो तो एक सारे विधायक, सारे मंत्री, स्पीकर सहित, मुख्यमंत्री सहित
वहां एक प्रवचन होना चाहिए। तो अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर क्यों लाल माधुरी भी कह के जा रहा है उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का यह बयान राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजस्थान की जनता के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना सच में इस्तीफा देंगे। सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी नेताओं में भी इसी बात की चर्चा बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी के साथ सचिवालय जाना भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी की बैठकों से भी दूरी बना ली है। मंत्री को मिलने वाले सरकारी सुविधाओं को छोड़ने के बाद से राजस्थान में सियासत पूरी तरह चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सिरोही में उनके एक बयान ने सारे सवालों से लगभग संशय खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, मैं राजस्थान का कृषि मंत्री हूं और राजस्थान को कृषि क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर क्यों लाल माधुरी भी कह के जा रहा है उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहता हूं और गांव का विकास करना चाहता हूं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के नाम पे लीकेज हो रहा है, अगर इसको जनप्रतिनिधि और सरकार रोकने में सफल रही तो मेरा गांव का विकास और मेरा गांव का किसान आगे बढ़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चूंकि मंत्री हूं मैं, राजस्थान का प्रदेश को कैसे आगे लिया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं तो ये मान के चलता हूं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के इस बयान ने इस्तीफे की चर्चा के संशय को खत्म कर दिया है। हालांकि इससे पहले उनके इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा बनी हुई है। बीजेपी के चुनाव नतीजों पर हो रहे मंथन की बैठक में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना नहीं पहुंचे और जब जब उनसे सवाल किया गया तो वे होठों पर उंगली रखते दिखाई दिए। ये तस्वीरें अपने आप में वैसे तो बहुत कुछ बयान कर रही हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के भतीजे और महवा से विधायक राजेंद्र मीना ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग धैर्य रखें, एक दो दिन में कैबिनेट मंत्री उचित निर्णय लेंगे और जनता को एक बड़ा संदेश देंगे। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी जो बात कहते हैं वो बिल्कुल पक्का है। उन्होंने आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करीब 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी सीट चुनाव हार गया तो मैं निश्चित रूप से प्राण जाए पर वचन नहीं जाए उसकी पालना करूंगा। और आप बिल्कुल धैर्य रखें, एक दो दिन में किरोड़ी लाल जी उचित निर्णय लेकर और जनता के बीच में संदेश देंगे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बैठकर समझाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। वो कोई व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, कुछ लोग बाहर थे, बाकी सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जो अपेक्षित थे वो सब लोग उस बैठक में पहुंचे। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना इस्तीफा देंगे या नहीं ये तो उनके आए नए बयान से लगभग साफ हो गया है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी अभी भी ऑफिस नहीं जा रहे, जो कहीं और इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में किशनगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। क्या कहा आप भी सुनिए। सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर प्रहार। कांग्रेस ने जिस तरह से किसान को धोखे में रखा,
इन्होंने हमेशा ईआरसीपी की जिक्र की, लेकिन कभी इन्होंने फिक्र नहीं की। कांग्रेस ने देश प्रदेश का किया बंटा था। जरा अपना राज भी देख लीजिए कि आपका राज क्या था, आपने क्या किया, देश को कितने आर्थिक ढांचा खराब करके आप गए थे, कितना इस राजस्थान के ऊपर कर्जा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास, उस नरेंद्र से इस नरेंद्र तक सपना हो रहा साकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर झूठ के सहारे लोगों को बरगलाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूं, ये गरीबी हटाओ का नारा कब से दे रहे हैं? अरे भाई, सबसे ज्यादा इस देश में राज आपने किया है। गरीबी हटाओ का नारा जब आपके दादी जी या नानी जी वो भी देती थी, और आपके पिताजी भी देते थे, बीच में और भी कई जगह आपकी माता जी ने भी दिया, और आज भी गरीबी हटाने का नाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी का जिक्र तो किया लेकिन फिक्र नहीं की, जबकि उन्होंने सत्ता में आते ही ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। हमने आते ही ईआरसीपी की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, हमने उसमें समझौता करने का काम किया, और हमारी ईआरसीपी की योजना का काम हमारा प्रारंभ हुआ है। हमारे पुराने 13 जिले नए 21 जिले उसमें आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने एक आह्वान किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। वो युवाओं को जो आह्वान किया था, वो आज धीरे 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 उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र का सपना पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि उनकी सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई, इसमें से 90 दिन आचार संहिता के चले गए, बाकी 10 दिनों में ही 45% वादे पूरे करने का काम किया। आप देख रहे हैं, हमने जिस तरह से 90 दिन हमें काम करने का मौका मिला, अब 10 दिन से हमारा आचार संहिता हटने के बाद हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 45% वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये झांसे देते थे, झूठ बोलते थे, लूट और झूठ चुनाव आते हैं तो सिर्फ इस पर झूठकार भरगलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। मिशन 25 की नाकामी की धूल झाड़कर प्रदेश के मुखिया नए तेवर के साथ कांग्रेस पर हमलावर है। बताने की जरूरत नहीं है कि सीएम का आक्रामक तेवर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा, जो साल के आखिर में होने वाले उपचुनाव में काम आएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का ऊर्जा में, राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए सीएम ने भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ये बयान सामने आए हैं। तो बड़ी खबर और अच्छी खबर इस वक्त आपके बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान सामने आए हैं। बीकानेर में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। फलौदी में 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना होगी। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लीज पर भूमि आवंटित की जाएगी। तो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने वाला है। और गहलोत सरकार के बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं।
जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी का सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आया था, वहीं हेमाराम के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आयदान सिंह भाटी ने कहा, किसान का बेटा सीएम बन गया है तो किसानों के ठेकेदार नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस ने केवल वोट पाने के लिए घोषणा की थी, लेकिन जनता सब समझती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय हेमाराम जी द्वारा जिस प्रकार की भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री जी के लिए किया गया, उसकी जितनी निंदा करूं उतना कम है। साथियों, सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में इस प्रकार के शब्दों का कोई स्थान नहीं है। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो ये किसानों के नाम पे ठेकेदारी करने वाले हेमाराम जी चौधरी, जिनको ये समझना चाहिए कि मैं किसके प्रति क्या बयान दे रहा हूं। और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर मुंबई पुलिस ने सलमान खान फायरिंग केस से संबंधित एक नया केस रजिस्टर किया। इस मामले में पुलिस ने प्रदेश के हिंडोली से एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसने जो बताया वो लॉरेंस गैंग को लेकर सबसे बड़ा खुलासा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सलमान खान के कितने दुश्मन, पॉपुलैरिटी के लिए खतरनाक प्लान, यूट्यूब पर सलमान की हत्या की चर्चा, हिंदौली से गिरफ्तार 25 साल का गुनहगार, मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने राजस्थान से इस मामले में आरोपी बनवारी लाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को राजस्थान से मुंबई ले जाया गया, उस पर सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप, और बताया गया कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित है। आरोपी बनवारी लाल ने अभिनेता सलमान खान को यूट्यूब वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र करते हुए बनवारी लाल गुर्जर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था। इस मामले में साइबर पुलिस ने धारा 506(2), 504, 34 IPC के साथ IT एक्ट 66(d) के तहत FIR दर्ज की है। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान आई थी, जिसके बाद हिंडोली से पुलिस ने 25 साल के बनवारी लाल को धर दबोचा और उसे लेकर पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से एक 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई लेकर आया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से इस 25 वर्ष युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर ये कहा गया है कि जो युवक है उसने एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें सलमान खान को साफ तौर पर उसने धमकी दी। हम आपको बता दें जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और उसी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान गई और वहां से जो है उन्होंने इस 25 वर्ष युवक को जो है वो गिरफ्तार किया। दरअसल अप्रैल में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सलमान के पनवेल फार्म पर रेकी करने के चलते और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 4 जून को सलमान खान का बयान भी दर्ज किया गया था। फिलहाल अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते हुए, दुनिया अगले महीने फ्रांस के पेरिस में होने जा रहे ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुटी है, लेकिन राजस्थान में पिछले 3 साल में ओलंपिक संघ में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ओलंपिक संघ में 2 अलग अलग कार्यकारिणी के सदस्य खुद को सही और वास्तविक होने का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे को नकली बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। We'll be right back.
राजस्थान ओलंपिक संघ के चुनाव के ऐलान के साथ ही घमासान शुरू हो चुका है। एक गुट ने नामांकन और वोटिंग की तैयारी भी शुरू कर दी। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास कहते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्वीकृति के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे रोकने के लिए कुछ लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके पास न संवैधानिक खेल संघ है और न ही भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता। अरुण सारस्वत जी की आप बात कर रहे हैं, जो पहले जनार्दन सिंह जी के साथ सचिव थे, उसके बाद नए चुनाव हो चुके, एक्टिंग सेक्रेटरी नए बन चुके। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट आज खोल के देखेंगे आप तो उसमें अरुण सारस्वत का कोई वजूद ही नहीं है। अनिल व्यास सवालिया लहजे में पूछते हैं कि अरुण सारस्वत खुद को इतना ही वैधानिक मानते हैं तो स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग के लिए कोर्ट ने उनकी स्टे क्यों खारिज कर दी? और यदि कोई वैधानिकता है तो उनके पास वैधानिक तरीके भी हैं, जैसे इस स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग के लिए वो कोर्ट में गए और इस पे स्टे लाना चाहते थे, कोर्ट ने उनकी स्टे एप्लीकेशन खारिज कर दी कि भाई इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि है वैधानिक है या वैधानिक है। अनिल व्यास जिस अरुण सारस्वत गुट पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद राजस्थान ओलंपिक संघ की चुनाव प्रक्रिया को असंवैधानिक बता रहा है। इंडियन ओलंपिक के जब चुनाव हुए उसमें पॉलिसी बनी थी कि स्टेट ओलंपिक संघ को एसोसिएट मेंबर के रूप में माना जाए विदाउट वोटिंग राइट। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक का पार्ट तो है लेकिन इंडियन ओलंपिक के चुनाव में वोटिंग राइट नहीं है। एक गुट दूसरे को नकली या फिर गैर कानूनी बता रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई जारी है जो कई खिलाड़ियों और खेल संघों के लिए अबूझ पहेली बनती जा रही है। अब भारतीय ओलंपिक संघ या कोर्ट के मुहर पर ही एक को वास्तविक और दूसरे को नकली ठहराया जा सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो वही जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह है 8 महीने पुराना पट्टे जारी में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि सभी 23 स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन आग से फर्नीचर, लिफ्ट और खाने पीने के सामान सहित सभी सामान जलकर राख हो गए। अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि हॉस्टल में लगा फायर सिस्टम पूरे प्रेशर से काम नहीं कर रहा था। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने कहा कि जांच करने के बाद हॉस्टल संचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने पूरे मामले पर जांच शुरू की है। कृष्ण विहार में कुनाड़ी में एक हॉस्टल में आग लगी। आग की सूचना प्राप्त होते ही 3 गाड़ियां मौके पर लेके आए और एक मौके पर जब इतना आया यहाँ के देखा तो जो यहाँ पर सर्वेंट रहती है उसके कमरे से फायर जनरेट हुई थी, वो ट्रेवल करके सामने वाले रूम में भी चली गई। खबर पाली से जहां पर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने पाली के बालराई में 7 करोड़ से अधिक की लागत से बने भवरी बाई घेवर चंद जी सुराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। साथ ही इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने समारोह को संबोधित किया और होनहार छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। शिक्षा विभाग के लिए लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा की राशि का ये भवन बना करके शिक्षा विभाग को दिया है, इसलिए मैं इनका आभारी हूं। मित्रों, भवन का जब उद्घाटन होगा अभी और जो आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है बहुत भव्य और विद्यालय का निर्माण किया है जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हैं, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और ये विद्यालय मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए आदर्श विद्यालय बनेगा। और करेंगे अगली खबर का। आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर से विकास कार्यों की शुरुआत होने लगी है।
अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने 4,60,00,000 की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। आदर्श नगर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ काम की शुरुआत हुई। इस दौरान पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, स्थानीय पार्षद और बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक बघेल ने कहा कि सड़क बनने के बाद आम जनता को खासी राहत मिलेगी। पर्वतपुरा माखुपुरा बाईपास से लेकर के 9 नंबर पेट्रोल पंप तक का जो हमारा नसीराबाद रोड का जो मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग बहुत जीर्ण अवस्था में था, टूटा फूटा था। इस मार्ग के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, उन्हें इसकी स्वीकृति मिली है 4,60,00,000 रुपए की लागत से। खबर डीडवाना कुचामन जिले से, जहां पर प्रथम महिला पुलिस थाने का आज शुभारंभ हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, SP राजेंद्र कुमार मीणा सहित महिला पुलिस थाने का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। थाने के शुभारंभ के बाद पहले थाना अधिकारी के तौर पर राजेश मीणा ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी मीडिया ने कहा कि महिला थाना बनने से महिला अपराधों में कमी आएगी और हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे लाने के लिए 33% का आरक्षण दिया है, वो भी पास हो चुका है। और मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी 3rd ग्रेड टीचर के लिए 50% का आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया है। नए जिले बने 17 में, उनमें आज डीडवाना कुचामन जिले के अंदर शुभारंभ हुआ महिला थाने का। इसलिए महिला अपराध में कमी आएगी, इसमें कोई दौरा नहीं। सरकार हमारी है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की पहल पर पहली बार योग को लेकर अनूठा आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत इंद्रलोक सभागार में आज अखंड योग का विश्व कीर्तिमान बनाने का आगाज हुआ, जो कि 17 जून सुबह 7 बजे तक किया जाएगा। इस समारोह में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। करीब 51 योग संस्थाएं साथ मिलकर लगातार 1500 मिनट योग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। भटारक जी की नसिया स्थित इंद्रलोक सभागार में 17 जून सुबह 7 बजे तक योग साधक, योग प्रशिक्षक और योगाचार्य सूर्य नमस्कार सहित कई तरह के योग क्रियाएं करेंगे। मैं नगर निगम जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक लक्ष्य रखा और 1500 मिनट का योगाभ्यास कार्यक्रम किया। निश्चित रूप से हमारी समाज में एक संदेश और योगा के प्रति लोगों की जागृति आएगी। हमारे भारत की बहुत पुरातन विद्या है, जिसे हमारे उन महान मनीषियों ने अपने सैकड़ों हजारों वर्ष के शोध के बाद इसका आविष्कार करके दुनिया के सामने रखा था। ये प्रोग्राम कल सुबह तक चलेगा, तो जयपुर वाले ज्यादा से ज्यादा इसको देख करके लाभ लें, उससे प्रभावित हों और खुद अपने जीवन में भी योग का महत्व जानें और उसको जीवन में अपने उतारें। योग हमारा ज्ञान है, योग हमारा संस्कार है, योग हमारे भारत की संस्कृति है और हमारी भारत की संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने अंगीकार किया, पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। वही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर के राजगढ़ में मीन महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था, वो देश की लोकसभा में ना आ पाए, ये काम कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि वे 36 कौमों और पूरे अलवर जिले के सांसद हैं। सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो मन में भेदभाव विषय नहीं रहता, जब विकास की बात आती है तो सारी विधानसभाओं के एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य रहा कि 19 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद पार्टी ने उनकी ड्यूटी ओडिशा में लगा दी। जब मेरी वहां ड्यूटी लगाई गई तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए जो पंचतीर्थ थे, चाहे उनका जन्म मऊ में हुआ हो, चाहे उनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हो, चाहे उन्होंने देश का संविधान बनाते समय अलीपुर रोड के दिल्ली के बंगले में रहे हो, चाहे भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित होके नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली हो या मुंबई की चैतन्य भूमि हो,
उसको पंचतीर्थ बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। और वो करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर अश्लील वीडियो कॉलिंग कर रुपए ऐंठने वाले दो ठगों को गिरफ्तार किया गया है। लड़कियों की व्हाट्सएप जीपी लगाकर ये कॉल किया करते थे, अश्लील वीडियो कॉलिंग कर धमकी देते थे। आरोपी जुनैद और वारिस की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सांगो थाना पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर अश्लील वीडियो कॉल करने और धमकी देने के मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जुनैद और वारिस को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते थे, व्हाट्सएप के डीपी में लड़कियों के फोटोज का इस्तेमाल किया करते थे और कॉलिंग करने के बाद उनके साथ ठगी भी करते थे। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, पूछताछ में कुछ और खुलासा हुआ है क्या अभी? देखिए, कोटा ग्रामीण पुलिस की ये बड़ी सफलता कही जा सकती है और निश्चित रूप से इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं क्योंकि कई पीड़ित और सामने आ सकते हैं। हालांकि शर्म के मारे कई पीड़ित जो सामने नहीं आते हैं और पुलिस को इस मामले में पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक परिवादी सामने आने के बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और जो है डीग जिला के इलाके से, सीकरी थाना इलाके से इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बड़े ही साइबर ठग हैं और तकनीकी ज्ञान रखते हैं, तकनीक एक्सपर्ट होने के चलते ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। लड़कियों की व्हाट्सएप डीपी लगाकर लोगों को फंसाते हैं और अश्लील वीडियो कॉलिंग करके ये रिकॉर्डिंग कर देते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उस पीड़ित को उनको भेजकर मोटी रकम ये वसूलते हैं क्योंकि ये कई तरह की धमकी देते हैं और उसके बाद में फोन पे और गूगल के माध्यम से ये पेमेंट अपने खाते में डलवा देते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। निश्चित रूप से कई और जो है पीड़ित इसमें सामने आ सकते हैं और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ करेंगे तो निश्चित रूप से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कितने लोगों को फंसाया, कितना इन्होंने इस तरह का रुपया इन्होंने जो है लोगों से ठगा, कई और तरह की जानकारी पुलिस इनसे उगलाने के लिए फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है और माना जा सकता है कि कई और बड़े इसमें गिरोह का हाथ हो सकता है, कई और आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए, हालांकि पुलिस भी कई बार अपील करती लोगों से कि ऐसे लोगों के जानते में नहीं आया, लेकिन जब पुलिस की पकड़ में ये आरोपी हो गए तो इसके बाद में माना जा सकता है कि कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लेने के बाद कई कड़ाई से पूछताछ की जानी है। सांगोद थाना पुलिस जो है इन दोनों आरोपियों को जो है बिल्कुल पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। पता चलेगा कि किसके किसके साथ इन लोगों ने ठगी की, आप नजर बनाए रखिएगा इस पे। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारियों के। तो अश्लील वीडियो कॉल कर ये धमकी दिया करते थे और इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबर दौसा जिले से जहां पर रेटा गांव में जमीन के विवाद को लेकर आज जमकर बवाल हुआ। विवादित जमीन पर जब एक पक्ष कार्य करने लगा तो दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद की सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस न्यूसेंस कर रहे लोगों की धरपकड़ करने लगी। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। इस पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घटना के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें जब पुलिस धरपकड़ के लिए कोशिश कर रही थी तो इसी दौरान कुछ महिलाएं सिकंदरा थाना अधिकारी महावीर सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करती नजर आईं। आरोपियों ने महिलाओं और लड़कियों को आगे कर दिया और पुलिस पर घर की महिलाओं का अपमान करने का जबरन उलझने की कोशिश का आरोप लगा दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी पर जैसलमेर में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। सुबह 4 बजे जैसे ही बाबा रामदेव समाधि स्थल का प्रवेश द्वार खुला, जयकारे लगाते हुए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं समिति ने श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन हो इसके लिए सभी माकूल प्रबंध किए। दशमी है बाबा की, शुक्ल पक्ष की दशमी, और ये दशमी का महत्व है कि ये दशमी बाबा ने 5 पीरों के नाम करी थी। गंगा दशहरा भी है आज, सो ये हमारा अहोभाग्य है कि और ये आज के इस पावन दिन के अवसर पे बाबा के दर्शन हमने पाए, माँ डाली के दर्शन पाए और इतने सारे भक्तों के भी दर्शन पाए।
तो वहीं आज गंगा दशहरा भी रहा और इस पर्व को आज धूमधाम के साथ मनाया गया। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि इसी दिन गंगा स्नान से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर आज जयपुर के श्री गलता तीर्थ में भी विशेष आयोजन किए गए। सुबह गलता जी स्थित पवित्र गौमुख का पूजन किया गया। गंगा दशहरा पर जल से भरा मटका, मौसमी फल, मिठाई और सोना चांदी का दान करना भी शुभ होता है। गंगा दशहरा का पर्व आज सभी जगह बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन गंगा जी का अवतरण पृथ्वी लोक पर हुआ था। श्री गलता पीठ में भी परम पूज्य गलता पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में इस पर्व को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो गालब गंगा है उधर उस पर स्थित जो गौमुख है सूर्य कुंड पर, वहाँ पर प्रातः गौमुख का पूजन किया गया। तो खबरें हमने आपको बताई जहां पर गंगा दशहरा पर लोग गंगा में स्नान करने पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्नान किया और मां गंगा को नमन भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।